A very warm welcome to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching Parcham. आज हमें three days के current affair का compilation cover करना है 28 to 30th because Sunday को हमारा weekly CA आया था इस वजह से class नहीं होती है daily CA की Monday को since I am also the co-founder in the organisation a lot of administrative responsibilities are also there so I had to look after them इस वजह से कल मैं session नहीं ले पाई थी आपका इसलिए आज हम three days का CA cover करेंगे so session comparatively थोड़ा सा बड़ा हो सकता है अगर हम विक्रमी संवत के हिसाब से देखें तो 2081 चल रहा है और पंचांग देखें तो वैशाख महीना कृष्ण पक्ष की षष्टि है आज चांद कुछ किस तरह का दिखने वाला है ष्टी के दिन आपको चांद कुछ इस तरह का दिखेगा विक्रमी संवत में 2081 क्यों आता है जबकि ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 चल रहा है मैंने आपको एक बार सक संवत की कैलकुलेशन भी बता दी देखिए विक्रमी संवत जो है वो फिफ्टी बिफोर क्राइस्ट वाले टाइम से देखा जाता है यानी ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले से चलता हुआ आ रहा है तो अगर आप 2024 के अंदर ऐड कर लेंगे 57 सेवन वाई बिकॉज ये अगर हम मानते हैं जीरो यानी जहाँ से ग्रिगोरियन कैलेंडर चालू होता है विक्रमी संबंध 57 सेवन बी या जिसे हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं तब से चल रहा है तो ये 2024 और इसमें आपको ये 57 भी ऐड करने पड़ेंगे एंड दिस विल कम आउट टू बी 2081 दिस इज हाउ विक्रमी संबंध वर्क्स चलिए जी आज हम जो भी कुछ पढ़ेंगे उसका करंट अफेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है परचम के टेलीग्राम चैनल पे भी और परचम ऐप में भी हिंदी और इंग्लिश के दोनों अलग होते हैं आप एक्सेस कर सकते हो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे लाइव चैट में टेलीग्राम का लिंक भी आ, पिन कर दिया जाता है अगर आपको मंथली मैगजींस चाहिए कंसॉलीडेटेड हो या सवाल एम वाली हो तो उसके लिए आपको परचम वेबसाइट पर जाना होगा अब कल से हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो जाएगा तो आपका मंथली करंट अफेयर वाला सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है सो गेयर अप फॉर दैट कोई भी क्वेरी कंसर्न हो रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स uh, या फिर सब्सक्रिप्शन uh, कोर्सेज जो आपको परचम ऐप आप पे मिलते हैं या फिर पीडीएफ जो आप uh, परचम वेबसाइट से लेते हो तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर्स ईमेल कर सकते हैं अगर आपके पीडीएफ या आपने कोई भी कोर्स सब्सक्रिप्शन लिया आपको कोई भी इशू आ रहा है सो so परचम ऐप चैट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो पी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेल कर सकते हो द टीम विल भी हैप्पी टू हेल्प यू प्लीज जस्ट पे अटेंशन टू द डेज एंड टाइमिंग वाईल यू कॉन्टैक्ट सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज सेक्शन से सो ट्वेंटी एट ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया कौन सा डे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सो जो काम पे लोग होते हैं दोज हुआ वर्किंग राइट तो उनके लिए कोई हजारडस्ट वर्किंग कंडीशन नहीं हो उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए इस चीज़ को आ, और एम्फोसिस में लाने के लिए वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व किया जाता है कब ट्वेंटी अप्रैल को 28 अप्रैल को ये किया जाता है और इसको बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि लेबर फोर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है उन्होंने स्टार्ट किया है 2003 से इसको ऑब्जर्व करना ताकि कि किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स और डिजीजेस वर्क प्लेस के अंदर नहीं प्रेवलेंट हो थीम क्या है इस बार की क्लाइमेट चेंज एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात की गई है सो क्लाइमेट चेंज आपका कीवर्ड होगा इसको ध्यान में रखिएगा वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बात की गई है दिस इज द थीम गॉट इट चलिए मूविंग ओवर टू अ डिमाइज ओबिचवरी सेक्शन सैड डिमाइज सो नोटेड जर्नलिस्ट विनय वीर क्या नाम है विनय वीर ही हैज फास्ट अवे एंड ही वॉज द पब्लिशर एंड एडिटर ऑफ डेली हिंदी मिलाप रोज का जो हिंदी एक uh, पेपर आता है मिलाप नाम से सो so, उसके पब्लिशर और एडिटर थे डेली यानी रोज हिंदी यानी हिंदी में और नाम है मिलाप सो so, विनय वीर जर्नलिस्ट लोगों का वीर होना बहुत जरूरी है वीर नहीं होंगे तो आप निष्पक्ष जर्नलिज्म नहीं कर पाएंगे राइट चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम बुक्स एंड ऑथर्स कैटेगरी पे दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से याद रखिएगा इन दोनों को पहली आ रही है द विनर्स माइंडसेट बाय शेन वॉट्सन शेन वाट्सन जो की ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर सो so, इन्होंने किताब लिखी है द विनर्स माइंड सेट वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑस्ट्रेलियन ऑल राउंडर्स शेन वॉट्सन ही हैज़ ऑथर्ड दिस बुक और जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक विनर्स माइंड सेट से इन्होंने अपने करियोग्राफ को और बेटर किया है पब्लिशर इज हापर कॉलिज सो द विनर्स माइंड सेट बुक इज रिटन बाय शेन वॉटसन राइट देन दिस बुक ऑल्सो आई विल बी टर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स ये किताब की कॉपी प्रेजेंट की गई एस जयशंकर को जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ठीक है सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिसीव्स बुक इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स बुक का टाइटल क्या है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स कौन से वो लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया न्यूक्लियर पावर बन पाया किन किन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस पूरी जर्नी के अंदर जब इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लाया और उसके टेस्ट किए एंड नाव वी आरो न्यूक्लियर पावर उनके बारे में बात की गई है एडिट किसने किया है इस किताब को एक होते हैं ऑथर्स जिन्होंने शुरुआत से लिखी के होते हैं एडिटर्स जिन्होंने कंपाइल किया है मैटर को बेसिकली तो उसको एडिटर टर्म में डाल दिया जाता है सौम्या अवस्थी एंड श्रबना बरुआ ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे सौम्या अवस्थी श्रबना बरुआ देखो न्यूक्लियर पावर में सब कुछ ठीक है लेकिन अगर श्रवण करना यानी सुनना श्रवण समझते हैं सुनना अगर सुनना थोड़ा सौम्य हो जाए ना यानी बहुत शोर करता है न्यूक्लियर टेस्ट ऐसे कुछ याद कर सकते हो सौम्य यानी सॉफ्ट है ना और श्रवण यानी सुनना सुनने में थोड़ा सॉफ्ट नहीं होता न्यूक्लियर बाकी तो इज़ ऑल ओके ऐसा करके हम याद कर सकते हैं दैट इंडिया इज न्यूक्लियर टाइटन्स राइट एंड इसमें होमी भाभा विक्रम साराभाई अब्दुल कलाम जी इन सब के बारे में बात की गई है देन वन ऑफ अडानी पोर्ट जिसको हम कहते हैं विजेंजम पोर्ट तो विजनजम पोर्ट ऑफ अडानी ग्रुप इट हैज़ बीन गिवन अप्रूवल अभी फाइनल नहीं मिला है लेकिन एक बार का अप्रूवल मिल गया है टू वर्क एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांस शिपमेंट पोर्ट ओके सो इट हैज बीन अप्रूव्ड एज इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है ट्रांस मतलब किसी भी चीज में जब आप एक से दूसरी जगह ट्रांजिशन कर रहे हो तो जब आप बड़े कार्गोस को छोटे छोटे शिपमेंट में तोड़ते हो यानी एक बड़ा शिपमेंट आया अब आपको थोड़ा यहाँ करना है थोड़ा वहाँ करना है अलग अलग शिपमेंट में आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जाता है तो इस जगह पे सामान खाली करके रखे नहीं जाते सामान उतार के और दूसरी शिप्स में डाल करके आगे रवाना किए जाते हैं तो ट्रांसशिपमेंट है कहीं से आया और कहीं जाएगा बीच में यहाँ पर सामान की शिफ्टिंग हो रही है सो तो आडानीज विजंजम पोर्ट कहाँ पर है ये कहाँ पर है केरला के अंदर है ओके सो विजेंजम पोर्ट इज़ वेयर इट इज़ इन केरला सो केरला में और ये कंट्री का पहला फुल तरह से सिर्फ ट्रांस पोर्ट शिपमेंट हब की तरह या पोर्ट की तरह जो काम करेगा अपने आप में इस तरह का पहला पोर्ट है ओके okay? सो so, अभी तक हमारे पास कोई फुल टाइम ट्रांस शिपमेंट डीप पोर्ट नहीं था और इसको अप्रूवल मिल गया है फाइनल अप्रूवल कपल ऑफ मंथ्स आ जाएगा सो so, uh, विजिटम पोर्ट की यहाँ तक बात हो गई ना एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है जिसमें कार्गो ट्रांसफर किए जाते हैं एक बड़े वेसल से स्मॉलर वेसल्स तक और फिर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक वो जाते हैं ठीक है और अभी तक हम क्या करते थे हमें भी अगर हमारे शिपमेंट कहीं पहुंचाने होते थे तो, तो हमारे पास ट्रांसशिपमेंट का तो कोई हब था नहीं या पोर्ट था नहीं तो सेवेंटी हमारा जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है वो कहीं और प्रोसेस होता था राइट अब वो सारा प्रोसेसिंग हम अपने यहाँ पर कर पाएंगे गॉटे ट्रांसशिपमेंट वाला पॉइंट समझ में आ गया विजिंजम पोर्ट याद रखिएगा केरला अडानी का ये पोर्ट है ना एक और नवरत्न कंपनी बन चुकी है सो so, जितने भी स्टैटिक जी के कोर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने परचम ऐप से ले रखा है ये कोर्स मैंने आपको बताया था कि वीडियो तो मैं वापस नहीं बनाऊंगी बिकॉज मैंने आपको मिनी रत्न नवरत्न और महारत्न कंपनी बता दी है लेकिन हम पी में अपडेट कर देंगे तो आप यहाँ भी ध्यान रखिए बिकॉज करंट अफेयर आपको पढ़ने ही हैं अलग से राइट सो एक और नवरत्न कंपनी बन गई बाकी बच्चे ध्यान देंगे आई आर ई डी ए आई आर ई डी एज बिन ग्रांटेड नवरत्न स्टेट सो मिनी रत्न कंपनी थी पहले ये अब नवरत्न के अंदर एलिवेट कर दी गई है आई आर ई डी ए का फुल फॉर्म किया है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रीन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए ये फिनेंसिंग फंडिंग प्रोवाइड करती है सो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये एन बी एफ सी है ओके सो इट इज़ ए नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओके सो नॉन बैंकिंग मैंने क्या बोला था मैंने कुछ और बोला फाइनेंस कंपनी बोला था शायद सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रमोट करता है डेवलप करता, करता है और एक्सटेंड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो रिन्यूएबल एनर्जी पे एनर्जी एफिशिएंसी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको फाइनेंसिंग देने का काम करता है ये पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है स्टार्टिंग हुई थी नाइनटीन में ओके okay? और किसके अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है जल्दी से मुझे बता दीजिए यूनियन मिनिस्टर का नाम जो इस मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं गॉटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी एज ऑन डेट सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक्स इस कंपनी में रखती है सो so, नवरत्न कंपनी अब टोटल कितनी हो गई होंगी तो उसके लिए पहले जान लीजिए पहले कितनी थी सिक्सटीन नवरत्न वेयर अब हमारे पास सेवनटीन कंपनी आ गई है आई आर ई डी ए गोटेड चलिए सो मिनी रत्न कंपनी होती है देन नवरत्न होती है फिर महारत्न कंपनी होती है राइट right? नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है यह भी हम नेशनल सेक्शन की न्यूज़ पढ़ रहे हैं जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरीज इसमें डायमंड और जेम प्रेशर स्टोन्स आ जाते हैं ग्रांटेड ए ई ओ स्टैटस बाय इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार ने एई ओ स्टैटस भारत सरकार में भी कौन सी मिनिस्ट्री देती है स्टैटस फिनेंस मिनिस्ट्री देती है सो so, भारत सरकार ने एई ओ स्टैटस दे दिया है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को ए ई ओ स्टेटस यानी यानी कि ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर जब भी आप एक्सपोर्ट वग़ैरह करते हैं अगर आपको कस्टम्स की तरफ से एक एक स्टेटस मिल जाता है एईओ का राइट मिनिस्ट्री की तरफ से मिल जाता है तो आपको कस्टम में भी क्लियरेंस बहुत इजीली हो जाती है आपके जो दूसरी वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अच्छे स्टैंडर्ड रिलेशन्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड स्टैब्लिश हो जाते हैं सो so, किसी भी सेक्टर को अगर ए ई ओ स्टेटस मिलता है तो उसके लिए एक्सपोर्ट का जो पूरा सप्लाई चेन होता है ना किस तरह से एक्सपोर्ट आगे जाएगा उसमें कितने आ, हमारा जो पूरा एक सिस्टम बन जाता है कितनी बार रुकना पड़ेगा या कितनी बार चेक्स होंगे वो बहुत स्मूथ हो जाता है तो so, आपके एक्सपोर्ट के टाइमिंग सेव होते हैं आपका पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी इमेज है वो इम्प्रूव हो जाती है इससे ये फ़र्क पड़ता है सो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एपेक्स बॉडी है जो कि को लीड कर रही है। है? है। मतलब इसको इसके अंदर अंदर सबसे शीर्ष की कौन सी, है? जे, जी, जे ए, पी सी है। इस के हैं। ये पहली कंपनी है जिनको की AEO status मिल गया यानी इनके एक्सपोर्ट के अंदर चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क के अंडर में एक तो इंडियन कस्टम्स है एक वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके सेफ फ्रेमवर्क में कि इस सेक्टर से आप जो एक्सपोर्ट वगैरह करोगे वो सेफ कैटेगरी में आता है तो आपके चेक्स थोड़े कम हो जाते हैं उसके अंडर में ही एईओ दिया जाता है ठीक है सो इस प्रोग्राम में जो एंटिटी एंगेज होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड uh, से रिलेटेड उसको कस्टम्स का अप्रूवल मिल जाता है सप्लाई चेन सिक्योरिटी से रिलेटेड दैट इट इज सिक्योर स्टैंडर्ड सही हैं आप इनको आगे बढ़ने दीजिए ओके सो क्विकर क्लियरेंस हो जाती है सिक्योरिटी अच्छी बढ़ करके मिलती है आपके जो पूरा शिपमेंट जा रहा होता है उसको और ये ए ई ओ का जो दिया जाता है स्टेटस ये ट्वेंटी इलेवन में इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है तो मोटे मोटे तौर पे इतना ध्यान रखना है कि हमारे जेम्स एंड ज्वेलर्स वाला जो सेक्टर है उसको भी एई ओ स्टैटस मिल गया है <laughs> अब हम चलते हैं अपॉइंटमेंट कैटेगरी की तरफ और इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो वैक्सीन्स बनाते हैं उनका जो एसोसिएशन है है ना सो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को अपने नए प्रेसिडेंट मिल गए हैं जो हाईएस्ट बॉडी होती है जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इस एसोसिएशन को लीड करने वाली सो so, नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं कृष्णा एला कृष्णा एला सो अब आपको वैक्सीन लग रही है कभी इंजेक्शन लग रहा है तो आप क्या भगवान को याद करते हो ना इमेजिन कर लीजिए आप कृष्ण जी को याद कर रहे हो तो कृष्णा एला याद रह जाएंगे दैट ही हैज़ टेकन ओवर दी प्रेजिडेंसी ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पहले इस पोजीशन को कौन लीड कर रहे थे इनका नाम आपने अच्छे से सुना होगा आदर सी पूनावाला सुना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ तो वो अभी तक लीड कर रहे थे 2019 से 2024 तक अब ये प्रेसिडेंसी कौन लेंगे कृष्णा एला लेने वाले हैं ओके एंड ही इज दी को फाउंडर एंड एग्जैक्टिव चेयरमैन ऑफ भारत बायोटेक भारत बायोटेक को ये लीड करते हैं और दो साल के लिए ये प्रेजिडेंसी इनके पास रहेगी नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं अब ए का जमाना बिल्कुल आ ही चुका है राइट तो ए एंकरिंग से रिलेटेड एक अवार्ड दिया गया है और वो इंडिया टुडे की ए एंकर है नाम क्या है सना क्या नाम है सना इंडिया टुडे इंडिया टुडे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एंकर ये लग रही हैं ह्यूमन पर सीजन ए एंकर और इनको मिला है ग्लोबल मीडिया अवार्ड ग्लोबल मीडिया तो ग्लोबली जितने भी ए से रिलेटेड मीडिया के अंदर न्यूज़ प्रेजेंट की जा रही है एंकर्स वगैरह के द्वारा एंकर्स uh, के द्वारा उनके अंदर बेस्ट अवार्ड ओके सो सना का एक तो मिला है दूसरा इंडिया ग्रुप को एक और अवार्ड मिला है सो इंडिया टुडे ग्रुप एआई एंकर सना हैज वन टू अवार्ड्स एट इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो कि कहाँ दिए गए लंदन के अंदर दिए गए पहला आता है बेस्ट यूज़ ऑफ़ एआई इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर को फेस करेंगे राइट और दूसरा बेस्ट इन साउथ एशिया फॉर ए लेड न्यूज़ रूम ट्रांसफॉर्मेशन आपने न्यूज़ रूम को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया आपको इंसान की जरूरत नहीं है ए आई न्यूज़ रीड कर रहे हैं आपके लिए सो so, ये दो कैटेगरी के अंदर कौन से ग्रुप की है सना ए आई जो रिपोर्टर हैं न्यूज़ रीडर हैं एंकर हैं इंडिया टुडे ग्रुप की है तो इंडिया टुडे याद रखना है सना याद रखना है ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है दो कैटेगरी के अंदर मिला है यहीं पे मैंने एक एडिशनल इन्फो डाल दी है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन को कहा जाता है जॉन मकारी को कहा जाता है जॉन मकारी ओके नेक्स्ट न्यूज मिस यूनिवर्स पैजेंट जो है एज uh, लिमिट जो पहले ई किया करती थी अब वो एज लिमिट हटा दी गई है कितने भी एज ग्रुप की फ़ीमेल पार्टिसिपेट कर सकती है सो सिक्सटी ईयर ओल्ड वुमन प्रोफेशनल लॉयर हैज़ वन मिस यूनिवर्स ब्यूनोज एरीज ब्यूटी पैजेंट तो आ, बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे आने से पहले प्रोविंशियल लेवल पे स्टेट लेवल पे जैसे या फिर नेशनल लेवल पे होते हैं फिर आप इंटरनेशनली कम्पीट करते हो राइट तो अभी ब्यूनोस एरीज एक प्रोविंस है कहाँ पे है अर्जेंटीना के अंदर है सो so, वहाँ का जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन हुआ है उसमें 60 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ वन और इनका नाम क्या है इनका नाम है एलेजेंद्रा मारीसा रोद्रिग सो एलेजेंद्रा मारीजा रोद्रेग जो कि 60 ईयर ओल्ड है उनको क्राउन किया गया है मिस यूनिवर्स कहाँ से ब्यूनोज एरीज से एंड फर्स्ट वुमेन ऑफ हर एज टू विन सच ए प्रेस्टिजियस ब्यूटी कॉन्टेस्ट अब आगे जा करके कॉम्पीट करेंगे क्या नतीजा निकलेगा वो बात की बात है देन मूविंग ओवर टू ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री दी जाती है ना एक पीएचडी होती है जो हम पढ़ते हैं रिसर्च करते हैं थीसिस लिखते हैं वाइवा वोस देते हैं उसके बाद हमें पीएचडी मिलती है एक होती है ऑन्ररी आपने किसी भी क्षेत्र के अंदर फील्ड के अंदर इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया है कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑनरेरी यानी कि आउट ऑफ आउट ऑफ रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुल जेस्चर आपको डिग्री देती है पी एच डी की उसको ऑनरेरी डिग्री कहा जाता है सो so, इसी इसी तरह की एक ऑनररी डिग्री मिली है हमारे पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को क्या नाम है इनका गौरव शर्मा और इनको यूएस की एक यूनिवर्सिटी है उन्होंने ऑनरेली डिग्री दी है बिकॉज ऑफ इट स्पोर्ट्स एक्सेलेंस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने के लिए तो अब पावर लिफ्टर हैं क्या क्या अवार्ड जीते हैं भाई ऐसा क्या किया इन्होंने क्या ऑनरेली डिग्री मिली है तो इन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते ट्वेंटी वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जो कि इंग्लैंड के अंदर हुई देन दो में ये कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी चार गोल्ड मेडल लेकर के आए थे न्यूजीलैंड में जो हुई थी सो पावर लिफ्टर है गौरव शर्मा जिनको हाल ही में यूएस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट डिग्री दी है कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं स्पोर्ट से करते हैं कौन सा स्पोर्ट है पावर लिफ्टिंग है okay, so, अवार्ड कैटेगरी के ऊपर अवार्ड में इंडियन ओरिजिन की एक फीमेल हैं और उनको मिला है केम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर पूरा नहीं अभी फाइनल राउंड होना बचा है सो फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ओके सो मिडिल ईस्ट रीजन और नॉर्थ अफ्रीका रीजन से कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड किसको मिला है गीता जस्ट गीना जस्टिस को गीना जस्टिस जो कि ओरिजिनली तिरुवनंतपुरम केरला इंडिया से बिलोंग करती हैं लेकिन अभी वो यूएई में काम कर रही हैं और वहाँ पे वो टीचर हैं सो so, ये जो अवार्ड है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर ये दिया जाता है मिडिल नो सेकेंडरी एंड कहाँ लिखा है मैंने या प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को <coughs> जो भी एक्सेप्शनल सर्विसेज देते हैं टीचिंग के क्षेत्र में भी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक उनके लिए ये कंपटीशन होता है और उसमें जो विनर होते हैं उनका अवार्ड दिया जाता है अभी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन तक गीना जस्टिस जो कि इंडियन ओरिजिन की है उन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है ठीक है रीजनल विनर डिक्लेयर की गई है ये ओके एंड शी इज़ वर्किंग इन यू ए और इनकी मैंटरशिप इनकी डेडिकेशन के लिए कौन सा अवार्ड है अवार्ड का नाम केम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ठीक है आगे बढ़े यहाँ तक क्लियर हो गया ये छोटी छोटी न्यूज है इनमें आप वन लाइनर की तरह याद रखिए गीना का नाम याद रख लीजिएगा ओके उसके बाद उनको कौन सा अवार्ड मिला है बस इतना ध्यान रखना है अगली न्यूज़ पर मूव ऑन कर जाना है अगली न्यूज़ स्टेट सेक्शन से आ रही है आंध्र प्रदेश कहाँ चलेंगे हम आंध्र प्रदेश वीणा जैसा या की जैसा जो शेप है स्टेट का आंध्र so, प्रदेश का बापटला पुलिस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने डेवलप की है एक ऐप ऐप का नाम क्या है समर्थ क्या नाम है आपका का समर्थ ऐप किसने डेवलप की है आंध्र प्रदेश के बापटला पुलिस डिपार्टमेंट ने की है और क्यों की है ताकि जो अभी पोल्स चल रहे हैं इलेक्शन का पूरा प्रोसेस चल रहा है इस ऐप के अंदर क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे पोलिंग के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है बिकॉज अभी तक का वहाँ का हिस्ट्री इस तरह का रहा है तो पुलिस फटाफट वहाँ पहुँच जाएगी तो ये ऐप बेसिकली स्मूथ कंडक्शन ऑफ इलेक्शन के लिए डेवलप की गई है और इसका फुल फॉर्म है समर्थ का फुल फॉर्म क्या है सिक्योरिटी अरेंजमेंट मैपिंग एनालिसिस रिस्पॉन्स ट्रैकिंग हब ये मोबाइल ऐप है ओके और ये क्लियरली डिमार्केट कर देगी और मैप भी कर देगी आपको प्रॉपरली जीपीएस से पहुंचा देगी कि कौन सा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे नॉर्मल पोलिंग स्टेशन और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जहाँ अभी पोल्स चल रहे हैं जहाँ नहीं चल रहे हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना जहाँ चल रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई वो करना और इलेक्शन के रूल्स ट्रेनिंग मटेरियल ये सब भी इस ऐप में अवेलेबल है साइमल्टेनियसली 2000 हज़ार पुलिस मैन इस ऐप को यूज़ करते हैं उन तक कॉमन मैसेज पहुंच जाएगा कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो फटाफट लोग वहां पहुंच सकते हैं सो so, ये समर्थ मोबाइल ऐप पोलिंग को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए बपटला पुलिस डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश के अंदर लॉन्च की है गॉट इट चलिए फिर हम आते हैं मिलियन मियावाकी की मिशन से रिलेटेड न्यूज पे मिलियन मिया मियाँ वाकिशन से पहले आपको मियावाकी ये क्या है सो so, एक कंसेप्ट है कि जो अर्बन एरियाज हैं जो शहर हैं शहर में आप बड़े बड़े खुले एरियाज तो पाते नहीं हो जैसे कि आप दिल्ली की बात कर लो यू विल नॉट फाइंड एकर्स ऑफ खाली एरिया जहाँ पे आप एफॉरेस्टेशन e कर सकते हो पेड़ उगा सकते हो तो अर्बन स्पेसेस जो छोटे छोटे आपको पॉकेट्स देती हैं उन एरियाज़ में वहीं की एंडेमिक स्पीशीज़ यानी लोकली जो अवेलेबल प्लांट्स होते हैं जो आसानी से उग जाते हैं जिनकी देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है तो कम एरिया के अंदर वहीं के लोकल प्लांट्स उगाना तो एक तरह से आप अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हो छोटे छोटे पॉकेट्स में इस कॉन्सेप्ट को मियावाकी की आ, कहा जाता है और ये बेस्ड है अकीरा मियावाकी एक बॉटनिस्ट रही जापान की उनका ये कॉन्सेप्ट था सो so, उसी से रिलेटेड मिया मिलियन uh, मियाँवा की मिशन है जो एक एन है नेम है उस एन का मिलियन मियाँ की फाउंडेशन उसके साथ मिलकर के इंडिया में जो इजरायली एम्बेसी है इसराइल की जो एम्बेसी है इंडिया में फंक्शनल है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लीड करेंगे हम आगे बढ़ाएंगे दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर मिलियन नियावा की मिशन को यानी पूरे दिल्ली एनसीआर में एक मिलियन ट्रीज़ प्लांट किए जाएंगे और इसमें लीड कौन करेगी इसराइल एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के अंदर इंडिया के अंदर है यहाँ तक बात समझ में आ गई एम क्या है जब आप प्लांट्स उगाते हो तो मेन एम क्या होता है अर्बन स्पेसेस में कि वहां का जो एयर पोल्यूशन है वो कम किया जा सके डेली एनसीआर का तो मेनली यही है एयर पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है सो मेन एम है इंप्रूविंग दी एयर क्वालिटी इन इंडियन सिटीज ए फॉरेस्टेशन करने से कहा अर्बन एरियाज में तो कभी पूछ लिया जाए कि जो मियामा मिशन होता है या मियाँवा प्रोजेक्ट होता है इसका मेन एम क्या है अर्बन स्पेसिस में इफॉरेस्टेशन करना ठीक है सो मिलियन ट्रीज विल बी प्लांटेड एंड फोकस रहेगा फॉरेस्ट लाइक मियावाकी की के ऊपर और ये मैंने आपको समझा दिया कि वन स्क्वायर मीटर एक स्क्वायर मीटर का एरिया ये वन मीटर ये वन मीटर इसके अंदर आप टू टू फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजिनस ट्रीज़ उगा दो जिनकी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं आपने उगाया और अब आप आगे बढ़ गए वरना अगर आप स्पेशल ट्रीज़ उगाते हो आप उनका देख रेख करते हो उग नहीं पाते कई बार बहुत ध्यान मांगते हैं कई बार डाई दे डाई आउट तो ऐसा नहीं होता इंडिजिनस ट्रीज़ के साथ में आंवला हो गया कई जगह नीम बहुत आसानी से उग जाता है राइट सो so, ये जो मेथडोलॉजी थी नाइनटीन सेवेंटीज़ में डेवलप की गई थी और मेन एम यही था कि स्मॉल पार्सल्स ऑफ लैंड जहाँ छोटे छोटे एरियाज हमको मिलते हैं वहाँ पे हम इंडिजिनस ट्रीज उगा दें मियाँ की अब हम चलते हैं थोड़ा इंटरनेशनल डोमेन पे और उसमें सबसे पहले पहुँचते हैं हम पाकिस्तान जैसे इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में आते हैं इसी तरह से पाकिस्तान में हिंदूज़ भी माइनॉरिटी में हैं पर हिंदू माइनॉरिटी बहुत कम है पाकिस्तान में पर है और उन्हीं से रिलेटेड हिंदू जो माइनॉरिटी में हैं पाकिस्तान में उन्होंने अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान में कौन सा है हिंगलाज यात्रा हिंगलाज माता 51 वन इक्यावन ज्ञानपीठ हम बोलते हैं देवियों के उनमें से एक हिंगलाज माता मानी जाती हैं ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ नहीं शक्तिपीठ सॉरी फिफ्टी वन शक्तिपीठ जो हम बोलते हैं देवी के उनमें से फिफ्टी वन में से एक हिंगलाज माता है और वो पाकिस्तान में है तो हिंदू पिलग्रिम्स उन्होंने क्लाइम किया ये मड वोल्केनो पूरा मिट्टी से बना हुआ है एज अ पार्ट ऑफ थ्री डे पिलग्रिमेज जैसे हम तीर्थ बोलते हैं ना तो हिंदुओं के लिए ये तीर्थ है पाकिस्तान वाले हिंदुओं के लिए है ना तो वो इस इस पूरे वोल्केनो पे चढ़ करके ऊपर जाते हैं मड एरिया में और उधर हिंगलाज माता जी का पूरी गुफा में मंदिर है और उसके दर्शन करते हैं तीन दिन का ये पूरा इनका त्यौहार बोल दीजिए इनकी एक पूरी यात्रा है वो होती है सो so, कहाँ है ये हिंगलाज माता पाकिस्तान के अंदर भी सो so, पाकिस्तान का लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल है बालोचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क में तो ये भी आपको पता चल जाएगा हिंगोल नेशनल पार्क कहाँ है पाकिस्तान बालोचिस्तान में और वहीं पे हिंगलाज यात्रा भी तीन दिन का ये पूरा उत्सव होता है <coughs> हिंगलाज माता फिफ्टी शक्तिपीठ में से एक है और करीब एक लाख हिंदूस इस पूरी यात्रा पे निकले थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान है उसमें करीब 2.14 परसेंट पॉपुलेशन हिंदुओं की है यहीं पे मैं पूछती हूँ आपसे बताइए 2011 के सेंसस के हिसाब से बिकॉज ये लास्ट डेटा हमारे पास 2011 सेंसस का ही है ना 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कितने प्रतिशत है डू राइट ऑन इन दी कॉमेंट सेक्शन माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास मुस्लिम्स की है पर वो कितने परसेंटेज है ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 मूविंग ओवर टू चाइना पाकिस्तान के बाद चाइना की तरफ रुक करते हैं चाइनाज शेंजो 18 स्पेस मिशन लॉन्च चाइना ने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया है शेंजो एटीन और ये कहाँ ले करके जा रहा है तीन एस्ट्रोनॉट्स को चाइना के तीन एस्ट्रोनॉट्स इसमें हैं कहाँ लेकर के जा रहा है इनका जो टैंगोंग स्पेस स्टेशन है लोअर अर्थ ऑर्बिट में जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसी तरह से चाइना का खुद का टेंगोंग स्पेस स्टेशन है तो वहाँ इन्होंने तीन एस्ट्रोनॉट्स को पहुँचाने के लिए शेंजो 18 मिशन जिसके तहत एक स्पेस क्राफ्ट शनजो एटीन स्पेस क्राफ्ट जिसका एक और नाम है डिवाइन वेसल ये भेजा स्पेस किसी रॉकेट पर लॉन्च किए जाते हैं तो रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च टू रॉकेट कोई स्पेस स्टेशन से लॉन्च किए गए होंगे उस स्पेस या लॉन्च सेंटर का नाम जेकवांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ये बस मोटी-मोटी बातें हैं तो ये जो शेंزو 18 मिशन है कौन से कंट्री से रिलेटेड है चाइना से रिलेटेड है तीन एस्ट्रोनॉट्स को टैंगोंग स्पेस स्टेशन भेजने के लिए टैंगोंग स्पेस स्टेशन कौन सी कंट्री बना न, का है लोअर अर्थ ऑर्बिट में चाइना का क्लियर चलिए चाइना से रिलेटेड और पाकिस्तान से रिलेटेड एक न्यूज़ सो चाइना ने लॉन्च कर दी है फर्स्ट ऑफ द 8 हैंगोर क्लास सबमरीन बिल्ट फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ कि चाइना एट सबमरीन्स बनाएगा हैंगोर क्लास की एट हैंगोर क्लास सबमरीन्स किसके लिए पाकिस्तान के लिए बनाएगा तो उनमें से पहली तैयार हो गई और वहाँ चाइना ने पानी में उतार दिए लॉन्च कर दिए अब ये लोग रिसीव करेंगे उसके बाद कमीशन करेंगे सो so, ये एट हैंगोर क्लास सबमरीन कौन से दो देश शामिल हैं इसमें बनाने वाला चाइना और रिसीव करने वाला कौन होगा पाकिस्तान होगा बस इतना आपको ध्यान रख लेना चाहिए अब जो अगली न्यूज़ आ रही है वो हम ले रहे हैं साइंस टेक सेक्शन से और उसमें भी सबसे पहले स्पेस से रिलेटेड बात कर लेते हैं तो एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट रेयर जॉइंट फ्लेयर फ्रॉम मैग्नेटार सो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो स्पेस की पूरी स्टडी करते रहते हैं उन्होंने एक फ्लेयर यानी जैसे एक कोई आ, आग जैसा समझते हैं ज्वाला आग तो एक एनर्जी का पूरा फ्लेयर आता हुआ उन्होंने देखा लाइट एंड एनर्जी का फ्रॉम मैग्नेटार Now, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए मैग्नेटार क्या होता है मैग्नेटार एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार नाउ व्हाट इज अ न्यूट्रॉन स्टार न्यूट्रॉन स्टार जब एक बहुत बड़ा सुपर स्टार है ओके okay? और उसका जो कोर जब वो हो जाता है तो उसका जो कोलैप्स कोर बचता है उसको न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है उसी तरह का एक न्यूट्रॉन स्टार मैग्नेटार है और जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ऐसा न्यू न्यूट्रॉन स्टार जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो उसको मैग्नेटार कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटार यहाँ तक की बात समझ में आई तो ये जो मैग्नेटार है अभी तक हमने पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा दूरी से अगर कोई फ्लेयर ऑब्जर्व की है रिकॉर्ड की है तो वो इस मैग्नेटार की है इस मैग्नेटार जो कि कहाँ रिजाइड कर रहा है एक गैलेक्सी के अंदर उस गैलेक्सी का नाम है मेसियर 82 गैलेक्सी <coughs> जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे इसी तरह से और गैलेक्सीज हैं तो एक गैलेक्सी है मैसियर टू जिसको हम सिगार गैलेक्सी भी बोलते हैं उसके शेप की वजह से पहले देखो पिक्चर देखो शेप देखो इसका ये सिगार जैसी दिख रही है तो इसको सिगार गैलेक्सी कहते हैं ओके एंड उड़सा मेजर उड़सा मेजर कॉन्स्टलेशन सुना है कभी सुना है हाँ तो सप्तऋषि जिन्हें हम बोलते हैं ना तो उस उड़सा मेजर कॉन्स्टलेशन में बहुत सारे सितारे हैं उन्हीं में एक अंदर गैलेक्सी है और वो है मेसियर एट टू उसे सिगार गैलेक्सी भी बोलते हैं और उसी में ये मैग्नेटार है और उसमें से हमने बहुत बड़ी एक फ्लेयर अभी ऑब्जर्व की है और ये जो फ्लेयर है ये गामा रेज का पूरा एक सर्ज यानी पूरा एक रे हमारे तरफ आया ये कैसे बताएं डिस्ट्रक्टिव नहीं है ठीक है और ये इसमें जो एनर्जी आई दैट इज इक्वल टू टेन थाउजेंड ईयर्स ऑफ आर सन आउटपुट हमारा सन जितनी एनर्जी दे रहा है हमें उसके दस हज़ार साल जितना आउटपुट एक साथ इसने दिया है टेंथ ऑफ अ सेकेंड में एक सेकेंड के दसवें हिस्से में वन टेंथ ऑफ सेकेंड के अंदर हमको जो फ्लेयर दिखा है वो वन टेंथ ऑफ सेकेंड के अंदर दस हज़ार ईयर्स हमारे सन को जो लगते एनर्जी देने में फ्लेयर देने में उतना इस मैग्नेटार ने सेकेंड के एक टेंथ वन टेंथ टाइम के अंदर निकाल दी है ठीक है तो इतना ज्यादा फ्लेयर इसने प्रोड्यूस किया है नाउ इससे पहले जो जॉइंट फ्लेयर्स होते हैं उसके दो ही एपिसोड हमने हमारी जो मिल्की वे है उससे देखे हैं ये वाली तो दूसरी गैलेक्सी का फ्लेयर है लेकिन इससे पहले हमने हमारी मिल्की वे में भी दो फ्लेयर्स ऑब्जर्व किए हैं एक 2004 में एक 1998 के अंदर और अगर हम इस एम की बात करें एम एट टू या एम एटी टू की बात करें तो ये हमारी अर्थ से कितनी दूर है ट्वेल्व मिलियन लाइट ईयर्स दूर है ट्वेल्व मिलियन लाइट ईयर्स लाइट ईयर्स डिस्टेंस को नापने का एक तरीका है स्पेस की टर्मिनोलॉजी के अंदर सो so लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहा जाता है ठीक है तो 5.9 ट्रिलियन माइल्स या 5 नाइन ट्रिलियन किलोमीटर्स 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती इसको है इसको लाइट ईयर कहते हैं तो ये जो एम एटी टू है या सिगार गैलेक्सी है हमसे कितनी दूर है ट्वेल्व मिलियन लाइट लाइटियर्स दूर है बात समझ में आ गई सो मेन न्यूज़ क्या है वापस देखिएगा एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है रेयर जॉइंट फ्लेयर जो कि एक मैग्नेटार से निकला है मैग्नेटार एक न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसके अंदर बहुत इमेंस मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये जो मैग्नेटार है ये मैसियर 82 जिसे हम सिगार गैलेक्सी बोलते हैं इसके अंदर लाइक करता है और ये जो गैलेक्सी है कर रहा है चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है पी एच आई थ्री फी थ्री नाउ वट इज दिस फी थ्री इट इज दस्ट ए आई मॉडल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है उसके पीछे कोई ना कोई लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं लैंग्वेज मॉडल के अंदर ही आप अभी तक की इन्फॉर्मेशन डालते हो ताकि आप कुछ भी उससे पूछो तो वो ए आपको जवाब दे सके सो so, माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है फी थ्री राइट और ये एक स्मॉल ए मॉडल है यानी कि आ, अगर आप कैपेसिटी वाइज देखो <coughs> तो कम कैपेसिटी वाला है सिंपलर मॉडल है आप अपने फोन्स वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हो एआई को डेवलप करने के लिए इस कम्युनिकेशन या इस लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है सो इट इज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इनपुट दैट यू नीड और अ और अ रिसोर्स दैट यू नीड टू डेवलप हाई एंड ए आई टेक्नोलॉजीज सो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है फी थ्री मिनी और इससे पहले मेटा ने रिवील किया था अभी अपना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा थ्री इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने स्मॉल लैंग्वेज मॉडल फी थ्री मिनी लॉन्च किया है और फी थ्री मिनी मोस्ट केपेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है अपने ब्रैकेट में यानी अपने स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स के ही ब्रैकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा केपेबल और कॉस्ट इफेक्टिव भी है सिंपलर भी है इट कैन ऑल्सो रन ऑन चिप्स दैट पावर रेगुलर कंप्यूटर इनफैक्ट फैक्ट मोबाइल्स पर भी आप इसको यूज कर सकते हो एंड जो ए आई प्रोसेसर्स होते हैं हार्ड उनको आपको लगाने की जरूरत नहीं है यू कैन यूज इट ऑन नॉर्मल कंप्यूटर्स ऑल्सो लैंग्वेज मॉडल देखिए लाइक आई टोल्ड यू ए आई जब आप बना रहे होते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ भी अगर आप टूल बना रहे होते हो तो लैंग्वेज मॉडल्स आपका बेस होते हैं दे आर दी बैकपोन्स ऑफ ए आई एप्लीकेशन जैसे कि चैट जी पी टी आपको बनाना है तो उसमें कोई ना कोई ए आई मॉडल लगा हुआ होता है तभी तो आपको आंसर्स मिलते हैं सो so, ये ए आई मॉडल्स हैं और इन मॉडल्स को आप ट्रेन करते हो एग्जिस्टिंग डेटा के हिसाब से और फिर ये आंसर्स देते हैं ठीक है ना कितना अमाउंट ऑफ कॉन्वर्सेशन एक ए आई रीड और राइट कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में उसको हम कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं ठीक है और उस कॉन्टेक्स्ट विंडो को हम मेजर करते हैं टोकन्स में तो फी थ्री की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो फर्स्ट मॉडल है अपने क्लास का जो कि वन ट्वेंटी एट थाउजेंड टोकन्स तक सपोर्ट करता है यानी इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है ऑल्दो ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है फिर भी इट हैज़ इमेंस कैपेसिटी इन इट्स ओन ब्रैकेट तो फी थ्री कौन सी कंपनी का है माइक्रोसॉफ्ट का है ये ध्यान रखेंगे स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्ना ने एक वैक्सीन uh, है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और दैट वैक्सीन इज रिलेटेड टू स्किन कैंसर किससे रिलेटेड है स्किन कैंसर और बहुत रिवोल्यूशनरी वैक्सीन ये मानी जा रही है सो वर्ल्ड्स फर्स्ट रेवोल्यूशनरी इसीलिए मानी जा रही है वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सनलाइज हर इंसान के आ, ट्रेट के हिसाब से वो कैंसर सेल उनके बॉडी में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से पर्सनलाइज एम वैक्सीन फॉर मेलानोमा अंडर गोइंग ट्रायल्स सो अब बस ये पर्सनलाइजेशन वाले ट्रायल्स चल रहे हैं बाकी ये वैक्सीन डेवलप हो चुकी है एम आर मेलानोमा दैट इज स्किन कैंसर इससे रिलेटेड ये वैक्सीन है एंड वर्ल्ड की पहली पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर मेलानोमा से रिलेटेड वैक्सीन है ये तो स्किन कैंसर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली और हर साल करीब करीब एक लाख तीस हजार समथिंग लोग इससे मरते हैं ये जो वैक्सीन है इसका नाम क्या है जी एम आर एन ए फोर वन फाइव सेवन वी नाइन सेवन नाइन फोर्टी ये वैक्सीन का नाम है और इसको इंडिविजुअली हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग के हिसाब से टेलर किया जा सकता है ताकि उनके इम्यून सिस्टम से वो वैक्सीन बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए और जो कैंसर सेल्स आपने खत्म किए हैं वो वापस से रीग्रो नहीं करें ठीक है तो किसके लिए है मेलानोमा के लिए है पर्सनलाइज वैक्सीन है एम बेस्ड है एम आर एन कौन सी कंपनी ने डेवलप की है मॉडर्ना एंड मर्क ने मिलकर के ये अभी वैक्सीन बना ट्रायल कर रहे हैं मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट न्यूज एंड कमिंग ओवर टू हिताची सो हिताची इंडिया में पहली बार इन्होंने अपग्रेडेबल ए टी एम्स लॉन्च किए हैं इन्होंने ही क्लेम किया है कि ये पहली बार इंडिया में हुआ है अपग्रेडेबल ए टी एम्स यानी कि दे कैन बी अपग्रेडेड टू अ कैश रिसाइकलिंग मशीन फ्रॉम ए टी एम ए टी एम से आप पैसे निकालते हो कैश रिसाइकलिंग मशीन में आप कैश जमा करा देते हो है ना तो ये दोनों फंक्शन कर सकती है ये मशीन सिंगल मशीन कैन डू बोथ द थिंग्स और हिताची पेमेंट सर्विसेज ने इस तरह का पहला अपग्रेडेबल ए टी एम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया है ओके okay? सो so, और ये जो मशीन है ये यू पी आई बेस्ड कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट भी अवेलेबल करवाएगी आपको कार्ड की जरूरत नहीं होगी सेप्टेम्बर ट्वेंटी के अंदर इसी कंपनी ने हिताची ने ही फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूपीआई ए टी एम ऑन एंड्रॉयड भी लॉन्च किया था कि हम नॉर्मली अपना डेबिट कार्ड लेकर के जाते हैं ना ए टी एम से पैसे निकालने होते हैं तो अब आप अपने यू पी आई से भी कनेक्ट करके और निकाल सकते हो कार्डलेस कैश विड्रॉल के लिए वो भी हिताची ने ही स्टार्ट किया था और अब ये अपग्रेडेबल ए टी एम्स जो हैं वो भी हिताची ही लेकर के आया है नेक्स्ट न्यूज पर चलेंगे अब आ, श्रीलंका के अंदर सीता जी से रिलेटेड एक मंदिर बन रहा है और उसको कहा गया मतलब कहा जाता है वहां पे सीता अम्मा टेम्पल और वहाँ के लिए जो पानी है वो हमारे यहाँ की यूपी की सरयू रिवर से भेजा जा रहा है बस ये एक वन लाइनर सी न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखनी है सेक्रेड वाटर फ्रॉम सरयू रिवर टू बी सेंट टू श्रीलंका फॉर श्री सीता अम्मा टेम्पल कॉन्सिक्रेशन तो प्राण प्रतिष्ठा जो होती है जिसमें हम एनर्जीज़ को इन्वोक करते हैं एक मूर्ति के अंदर और ताकि हम उसको डिवाइन कह सकें तो उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो पानी है जल है वो सरयू रिवर से लेकर के जाया जाएगा भेजा जाएगा कहाँ श्रीलंका में सीता अम्मा टेम्पल के लिए क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ रुख करते हैं सो so, स्पोर्ट्स के अंदर फीफा जो है इंटरनेशनल फुटबॉल की जो फेडरेशन है फीफा उसने टाइप किया है आरामको के साथ में किसके साथ अरामको अरामको आरामको साउथ की गवर्नमेंट की ऑयल एंड गैस से रिलेटेड मेजर कंपनी है मेजर प्लेयर है आराम को सो so, आराम को एंड एफ आई एफ ए फीफा का टाइप हुआ है और फोर ईयर ग्लोबल पार्टनरशिप फीफा के साथ अब आराम को ने की है यानी फ़ीफा के अंडर में जो भी इवेंट्स होंगे उनमें स्पॉन्सरिंग किसकी दिखेगी आराम को की दिखेगी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स फीफा मैंस वर्ल्ड कप होगा जो यूएस और मैक्सिको uh, और कैनेडा होस्ट करेंगे उसमें भी आराम की आपको स्पॉन्सरिंग देखने को मिलेगी और ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन में जो विमेन वर्ल्ड कप होगा uh, फुटबॉल का फीफा के अंडर में उसमें भी आपको आरामको की स्पॉन्सरिंग देखने को मिलेगी ठीक है तो आरामको के साथ में फीफा का टाइप हुआ है फॉर फोर इयर्स ग्लोबल पार्टनरशिप चलिए अब ये न्यूज़ मैंने जान करके डाली है ताकि आपको कुछ एक बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन था वो मैं क्लियर कर देती हूँ देखिए हमने थोड़े आ, लास्ट क्लास में उससे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उसैन बोल्ट को एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है आई टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का राइट right? पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एम्बेसिडर होंगे युवराज सिंह को भी डिक्लेयर किया गया है क्रिस गेल को भी किया गया है तो बस ये ध्यान रखिएगा युवराज सिंह क्रिस गेल उसेन बोल्ट ये तीन लोग अभी तक आई सी सी मैंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के एम्बेसिडर डिक्लेयर किए गए हैं हो सकता है फ्यूचर में और भी हो जाए अभी के लिए तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं चलिए मुझे बता दीजिए आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा कब खेला जाएगा मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी दो तीन बार नाउ आई वॉन्ट यू टू आंसर इट नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है हमारी टीम को क्यों क्योंकि इंडिया का जो कंटेंजेंट था वो काफ़ी अच्छा स्कोर करके आए हैं रिजल्ट लेकर के आए हैं एशियन अंडर ट्वेंटी एथलेटिक्स के अंदर वैसे यूजुअली अंडर ट्वेंटी या जूनियर्स इन सब के रिजल्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेज में हमको पढ़ लेना चाहिए ठीक है सो इंडिया क्लिश्ड सेवन गोल्ड्स कितने गोल्ड मेडल लाए हैं सात गोल्ड लाए हैं ग्यारह सिल्वर और ग्यारह ब्रॉन्ज हम लेकर के आए हैं एशियन अंडर ट्वेंटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर जो कि दुबई यूएई के अंदर कंडक्ट की गई हम फर्स्ट नहीं आए हम सेकंड पोजीशन पे आए हैं टोटल मेडल हमने उतने ही हासिल किए जितने फर्स्ट पोजीशन पे जो चाइना आया उन्होंने किए लेकिन गोल्ड में देखिए काफ़ी डिफरेंस है और गोल्ड से ही जीत का डिसीजन किया जाता है सो so, चाइना के 16 गोल्ड थे हमारे सेवन थे राइट right? सो so, हम सेकंड आए हैं बट हमारा काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा क्लियर है चाइना ने टॉप किया है इंडिया ने सेवन गोल्ड इलेवन सिल्वर इलेवन ब्रॉन्स लिए हैं और ये दुबई यू के अंदर अंडर ट्वेंटी एथलेटिक्स एशियन चैंपियनशिप ना ये एक दो न्यूज ऐसी छोटी छोटी थी जो बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं है एग्जाम के लिए बट देन लाइक आई ऑलवेज से आजकल के एग्जामिनेशन ट्रेंड बहुत अनप्रडिक्टेबल से हैं सो so आप कह नहीं सकते एग्जामिनर को क्या चीज़ इम्पोर्टेंट लग जाए इसलिए हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सो so, सिक्स ईयर ओल्ड ताक्षवी वाघानी छः साल की ये ताक्षवी वाघानी है इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लिम्बो स्केटिंग में किसमें बनाया है लिम्बो स्केटिंग में और ये अहमदाबाद से बच्ची बिलोंग करती है और इसमें आप हाइट सेट कर देते हो तो सिक्सटीन सेंटीमीटर के ये आपको स्ट्रिंग्स लगे हुए दिख रहे हैं और स्केटिंग करते हुए लिम्ब्स यानी जो लेग्स हैं पूरे स्ट्रेच करके इस सिक्सटीन सेंटीमीटर के नीचे नीचे उन्होंने स्केटिंग की है ओके सो सिक्स ईयर ओल्ड ओल्थाक्ष वाघानी फ्रॉम वाघन है नॉट वाघानी ओके वाघन फ्रॉम अहमदाबाद शी हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग ओके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कहाँ से बिलोंग करती है अहमदाबाद गुजरात से और इन्होंने जो स्केटिंग की है वो 25 मीटर की लंबाई यानी ये जो पूरा इनका एक कॉरिडोर था कितना था 25 मीटर का था और ये जो हाइट है जिसके अंडर इन्होंने स्केटिंग की है दैट वाज ऑफ 16 सेंटीमीटर्स क्लियर है चलिए नाउ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी थोड़े समय पहले उसके मेन मेडल्स uh, हमने देख लिए थे पर एक क्रक्स टोटल नंबर ऑफ मेडल का मैंने आपको नहीं बताया था वो भी अभी हम देख लेते हैं इंडिया फिनिशेस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 ओके एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ पे बिशकैक किर्गिस्तान के अंदर और हमने इस चैंपियनशिप को टोटल नाइन मेडल्स के साथ फिनिश किया सो so, अच्छा प्रदर्शन रहा नाइन मेडल्स में फोर सिल्वर हैं फाइव ब्रॉन्स हैं ठीक है बस इतना सही नंबर ऑफ़ मेडल टैली के लिए मैंने न्यूज़ डाल दी है ताकि एक बार आप टोटल नंबर ऑफ मेडल्स भी ध्यान रख लें कई बार एग्जामिनर टोटल मेडल काउंट पूछ लेता है ठीक है सो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि किर्गिस्तान के अंदर हुई बिशकै किर्गिस्तान वहाँ हम फोर सिल्वर फाइव ब्रॉन्स लेकर के आए हैं ये भी एक बार देख लीजिए ओके अगेन आई हैव माई ओन डाउट्स विद दिस न्यूज़ के इंपॉर्टेंट uh, है मेरे को नहीं लगता पर फिर भी लाइक आई टोल्ड यू कह नहीं सकते हैं सो वर्ल्ड ए आई क्रिएटर अवार्ड्स वर्ल्ड ए आई क्रिएटर अवार्ड्स के अंदर जो मिस ए आई जैसे मिस वर्ल्ड होता है ना मिस वर्ल्ड के अंदर बाकायदा फीमेल्स वर्क करती हैं यहाँ पे ए आई जेनरेटेड जो मॉडल्स uh, हैं वो बनाए गए और उनके बेसिस पे अब ये अवार्ड uh, जो कॉन्टेस्ट है वो किया गया सो मिस ए आई वर्ल्ड फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट विथ कंप्यूटर जेनरेटेड इट इट इज लॉन्च नाउ राइट सो एंट्रीज आ रही हैं अब इनके पास सो so, बेसिकली uh, जो ए आई पे वर्क करते हैं वो अपने मॉडल्स बनाएंगे किसका मॉडल कितना अच्छा रहा किसने कितना ए आई का अच्छा इस्तेमाल किया और प्लस उसने कितना ऑनलाइन ट्रैक्शन लिया यानी कितना ऑनलाइन लोगों ने उनको वोट्स uh, दिए इसके बेसिस पे मिस ए आई डिक्लेयर की जाएगी राइट right? और इसको लॉन्च किया है किसने दिस इज़ वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूटी पैजेंट और इसको लॉन्च किया है द फैन वर्ल्ड ए आई क्रिएटर अवार्ड्स ने और इसमें ट्वेंटी थाउजेंड यू एस डॉलर की प्राइज मनी होगी जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी अलग अलग लेवल्स पे सो so, कैसे दिख रहे हैं आपके मॉडल आपने ऑनलाइन कितनी कमांड ली है ऑडियंस को पुल करने में और आपकी टेक्निकल स्किल्स ए आई को ले कैसी हैं उसके बेसिस पे मिस ए आई डिक्लेयर की जाएगी फैन वर्ल्ड ए आई क्रिएटर अवार्ड्स के द्वारा ये कॉम्पिटिशन चालू किया गया है. ठीक है जी सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन अब हम जल्दी से बढ़ लेते हैं रिविजन क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से लाइव चैट में आंसर करना शुरू कीजिए चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द विनर्स माइंड सेट हमने देखी आज ये किताब द विनर्स माइंड सेट उसको किसने लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ इट कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं देखिएगा ध्यान से शेन वॉटसन शेन वॉन नहीं है शेन वॉटसन ओके वॉट रिवर वॉटर विच रिवर वॉटर Which river's water will be sent to Sri Lanka for consecration ceremony of Sita Amma Temple? Sita Amma Temple कहाँ बनने जा रहा है? Shri Lanka में उसके लिए जो पानी है, वो कौन सी नदी से भेजा जाएगा? आयोध्या में सर्जूर सर्जूर रिवर से, so Suryu will be the right answer. Which company has announced the launch of first upgradeable ATM machine in India? ATM machine जिसको upgrade किया जा सकता है, ऐसी पहली ATM machine कौन सी कंपनी ने इंडिया में launch की है? Answer हो जाएगा Hitachi Payment Services. राइट नेक्स्ट पे मूव करते हैं वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ समर्थ मोबाइल ऐप समर्थ मोबाइल ऐप याद है आंध्र प्रदेश के अंदर लॉन्च की गई है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर फटाफट से पुलिस सपोर्ट मिल सके सो इस समर्थ मोबाइल ऐप का मेन पर्पज क्या है देखो मैपिंग एंड एनालाइजिंग क्रिटिकल एंड कॉमन पोलिंग स्टेशन ताकि जहां कहीं भी कोई उपद्रव हो फटाफट से पुलिस पहुंच सके ओके देन वट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट लाइट वेट ए आई मॉडल स्मॉल लैंग्वेज ए आई मॉडल लाइट वेट ए आई मॉडल जो है माइक्रोसॉफ्ट का उसका नाम क्या है फी थ्री मिनी ऑल राइट एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे सो वॉट प्रेस्टिजियस स्टेटस इज रिसेंटली ग्रांटेड टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी आई आर ई डी ए बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई आर ई डी ए को हाल ही में कौन सा स्टेटस दिया गया है तो so, ये था आज का सेशन आई रियली होप जो भी समझाए समझ में आ गया होगा पीडीएफ एक्सेस कर लीजिएगा uh, परचम टेलीग्राम पे और ऐप पे अवेलेबल है अब हम कल मिलेंगे और अब रेगुलरली आपको ये सेशंस मिलेंगे एंड आई विल इंश्योर कि अब अगर कभी किसी भी रीज़न से मुझे क्लास नहीं ले पा रही हूँ मैं तो मैं आपके लिए सब्स्टिट्यूट uh, टीचर्स जैसे हम स्कूल कॉलेज में लगते थे ना इसी तरह से आई विल बी पुटिंग सब्सटीट्यूट टीचर फॉर यू सो दैट उस पर्टिकुलर डे की क्लास आपकी मिस नहीं होगी ठीक है चलिए ऑन दिस नॉट आई टेक यो लीव सी यू वेरी सुन टुमारो बाय बाय